बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ARY क्यू टी वी की स्क्रीन पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तफहीमुल मसाइल। इसके मरकज़ो मेवर और आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर बेहतरीन आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुसाब ठीक हैं? खैरियत से अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह मुसाब, लास्ट टाइम मैं नाज़रीन से भी शेयर करना चाहता हूँ जिस टॉपिक पर हमने बात की थी उसका बहुत फीडबैक आया और फोर्सफुली लोगों ने कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाए। बहुत सारे ज़ाहिर है उसमें सवालात ऐसे भी हैं जो हम नहीं कर सके या उसको थोड़ा सा रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट आगे नहीं बढ़ा सके। लास्ट एपिसोड में नाज़रीन हमने बात की थी मुक़द्दस औराक़ का तकद्दस आदाब और उनका सही इस्तेमाल। अच्छा, उसका बेजा इस्तेमाल, बेमौका इस्तेमाल और मतलब बेवजह का इस्तेमाल जो हम करते हैं, जैसे कि अशिया खुरोनोश की हमने बात की थी, अखबारात के फेंक देने का अमल था अखबारात में। डेफिनेटली मुफ्ती साहब ने बड़े अहम नुक्ते की तरफ वजाहत की थी कि उसमें कुरानी आयात और अहादीस का इस्तेमाल टॉप लाइन पे ज़रूर हुआ करता है। अखबारात को हम फेंक देते हैं, अगर पिज़्ज़ा देने कोई आया है, कोई और चीज़ खाने की देने आया, दरवाज़े पर खड़े होकर वेट करता है जब तक वो आपको बाई हैंड दे ना दे। चूँकि अखबारात का मामला मंथली बिलिंग पे होता है, उसके लिए खुद हम पर्सनली इंडिविजुअली अपने घर के बाहर एक बास्केट लगा सकते हैं। ये एक नुक्ता था। इसके अलावा दीगर चीज़ों पर बात हुई थी कि किस अंदाज से मुक़द्दस औराक़ के आदाब बजा लाए जाएँ और हम पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, शरीयत मुतारा किस तरह हमें अहकाम जारी करती है। आज मैं बात इस पर करने जा रहा हूँ कि जा बजा आपको पता है हर बिल्डिंग के बाहर ऑलमोस्ट माशाल्लाह लिखा होता है, जगह जगह प्रिंटेड होता है। उसके अलावा लफ्ज़ माशाल्लाह, लफ्ज़ इंशाल्लाह, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह हमारी रूटीन लाइफ में जे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फ्लुएंटली हम गाहे बगाहे उसको इस्तेमाल करते हैं। कौन से मौके ऐसे हैं कि जहाँ पर इनका इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से मौके ऐसे हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, इसकी हाउ नाउ बेहद ज़रूरी है। ये बहुत कोर इशू है, बहुत सारे मकाम पर बहुत सारे लोगों को बेजा, बेमौका, बेमहल इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है। आज मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की बात करें, लफ्ज़ माशाल्लाह या इंशाल्लाह, इनका इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे होना चाहिए और क्या मौके हैं, क्या महल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। और जिस मौजू पर आपने बात की है मुक़द्दस कलिमात के इस्तेमाल के हवाले से, ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाह जो कि हमारे कल्चर का, हमारे मज़हब का, तहजीब का हिस्सा है और बाकायदा इसके हवाले से हमें तालीम दी गई है कि हर अहम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए, अगर ना पढ़ा जाए तो वो नामुकम्मल और अधूरा होता है। ठीक है, पढ़ने से उस काम के अंदर बरकत पैदा होती है, कामयाबी हासिल होती है और अजर व सवाब अपनी जगह पे कायम होता है। सही। लेकिन सलमान, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो और हमारी गुफ्तगू चल रही है, बिस्मिल्लाह आम तौर पे या तो लोग पढ़ते नहीं हैं कि बहुत सारे जायज़ काम हैं जो हम कर रहे हैं मगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती और उस काम की बरकतों से महरूम है। इसके बरखिलाफ़ बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। देखें, हर जायज़ काम ठीक है लेकिन नाजायज़ काम में बिस्मिल्लाह नहीं होती, नाजायज़ काम में बिस्मिल्लाह नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारी ये तरबियत की और अमल की कोताही है कि हम जहाँ अच्छे काम करते हैं और जहाँ मतलब इस्लाम और ईमान की दौलत हमें मैसर है वहीं पे हमसे ख़ताएँ होती हैं, हमसे ग़लतियाँ होती है और इंसान से ख़ता हो जाती है। ये तो ठीक है, इंसान तौबा भी करता है, लेकिन ये जो ग़लती है ना कि बंदा ख़ता कर रहा हो, ग़लती कर रहा हो, गुनाह कर रहा हो या हराम काम कर रहा हो और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, फुकहा ने इसको कुफ्र लिखा है। अच्छा, कुफ्र लिखा है कि हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये कुफ्र होता है। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नाजायज़ या हराम होते हैं। माज़ल्ला माज़ल्ला रिश्वत देते और लेते हुए भी लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के ले रहे होते हैं। बतलाइए बतलाइए, बिल्कुल सरासर हराम है। इस काम पर लानत भेजी गई है और हम बिस्मिल्लाह पढ़ के तयम्मुन हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। बताइए, इनफैक्ट सूद के लेन देन में, आजकल सूदी निज़ाम आम है या इस तरीके के बहुत सारे काम जो हमारे माशरती सतह पे, तिजारती सतह पे राइज हो गए जो हमारी इस्लामी तालीमात या कुरानी अहकामात के बिल्कुल बरखिलाफ है मगर हमारी प्रॉपर राइज हो गए। हाँ, देखें, फील्ड बन गई है आज वो तिजारती। बिल्कुल सही। तो अब बन गई वो एक अलमिया अपनी जगह पर है, ठीक है, उसको फिर जायज समझना और फिर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये मजीद एक जो है वो समझ लें कि नहुसत और तबाही का, वबाल का एक जरिया होता है। कोताही पर कोताही हो रही है, यानी एक तो इसे जायज समझ रहे हैं, सबसे बड़ी कोताही। तो किसी भी नाजायज काम से पहले, हराम काम से पहले, गलत काम से पहले
बिस्मिल्लाह पढ़ना, किसी को मार रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के मारा, किसी को जलील कर रहे हैं, किसी का साथ गलत कर रहे हैं, किसी के जो है वो आप कह लें कि उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो कि गलत होती हैं, हराम होती हैं, गैर अख़लाक़ी होती हैं, उन चीज़ों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बजाय औज़ु बिल्लाह पढ़ के अल्लाह की पनाह मांगे उस काम से। पनाह मांगे यानी उसका मौका औज़ु बिल्लाह का था, आप कह रहे हैं वो मौका औज़ु बिल्लाह का था, अल्लाह की पनाह मांगने का, औज़ु बिल्लाह और नऊज़ु बिल्लाह का। अल्लाह हमें ये तालीम दी गई है कि कोई गलत काम करने की दावत दे या कर रहा हो तब भी आपके सामने तो नऊज़ु बिल्लाह पढ़ा जाए, कि अल्लाह ताला हमें इससे पनाह दे, हमें इससे महफूज करे। यानी ये कॉन्सेप्ट भी है कि गलत काम को देख के फौरन अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह हमें इस गलती से बचा, ये एक तसव्वुर दिया जा रहा है। कोई रिवायती कलिमा नहीं है नऊज़ु बिल्लाह और औज़ु बिल्लाह, सही, बल्कि बाकायदा एक ट्रेनिंग, एक तरबियत, एक सोच बिल्ड की जा रही है कि आपने जो है वो गलत काम को देख के ये अल्फाज अदा करने हैं। बिल्कुल सही, बजाय इसके कि हम नऊज़ु बिल्लाह या औज़ु बिल्लाह कहें गलत काम के ऊपर, उधर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हमें ये तमीज़, ये शऊर भी हासिल नहीं है। और फुकहा इकराम ने वाज़े लिखा है, वाज़े लिखा है कि हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। अल्लाह, हराम काम से, यानी इंसान दार इस्लाम से अपनी रूटीन में न जाने किस किस अंदाज से बाहर है और उसे अंदाज़ा ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं है वो दीन से। अच्छा, दूसरा मुसाब, इसके अलावा मुक़द्दस औराक और मुक़द्दस कलिमात, ज़ाहिर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ से आप गुजरेंगे, सैकड़ों मरतबा माशाअल्लाह लिखा हुआ आपको नज़र आता है। अच्छा, ऐसे मकामात पे भी आपको माशाअल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है, बकौल आप जैसे दुकानदारी ट्रेड है हमारे यहाँ कल्चर, अब माशाअल्लाह यानी ये ज़ाहिर बरकत के लिए और तबारक अल्लाह और इस तरह की बातें, और काम वही हो रहे हैं, मतलब मुझे एक रूटीन मिली। इसमें सलमान मैं आपको एक जिक्र करूं, हमारे यहाँ पे कल्चर का हिस्सा है और इसमें मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है कि अगर बरकत के लिए अपनी दुकान पे मुकद्दस नाम कलिमात अल्फाज अगर मुअल्लक कर दिए जाएं माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह वगैरह वगैरह, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा विजिटिंग कार्ड के अंदर भी ये वर्ड लिखे होते हैं। हाँ, लिखे होते हैं अल्लाह के नाम। विजिटिंग कार्ड जो है वो जिस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं आपको पता है, बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल पड़े हुए होते हैं इधर उधर जमीन पे गिरे हुए, हजारों विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएंगे। सही, बास्केट के अंदर आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप देखें विजिटिंग कार्ड जेब में पड़ा होता है, टॉयलेट गए, वॉशरूम गए, तो अब उसमें जब ये अल्फाज और कलिमात लिखे होते हैं माशाअल्लाह के और इसी तरह सुभान अल्लाह के, मसलन दुकान का नाम सुभान अल्लाह इलेक्ट्रॉनिक, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, तो अब वो कार्ड उसका विजिटिंग कार्ड आप बताएं कि कितना मिसयूज़ होता है। और ये कलिमात कुरान के हैं, ये कलिमात अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह के हैं, जिसको हमने कमर्शली यूज़ तो किया और फिर उसको मिसयूज़ भी कर दिया, बिल्कुल ठीक, उसको गलत इस्तेमाल भी कर दिया। तो बरकत के लिए अल्लाह के नाम को अपनी दुकान या फैक्ट्री या कारोबार या मकान पे बुलंद मुकाम पे लगाना ये एक अलग बात होती है, ये एक अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरीके से शॉप्स के नाम रख देना और फिर उन नाम का एहतराम भी ना करना, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये बिल्कुल बेअदबी और गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है कि आप जो है वो एक अल्लाह ताला के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरानी आयत को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसका एहतराम नहीं कर रहे। एहतराम नहीं कर रहे, सही है। मुफ्ती साहब कॉलर्स हैं, कुछ शामिल करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ, मसले तो बहुत पूछने हैं ना। अच्छा चलें, अब जो अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट है वो पूछ लें, टाइम कम है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, तो आप ये नंबर बाद में आपको इस टाइम बताए, मैं बात कर लूंगा। चलें ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है? तीन सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि जूतों के ऊपर भी अल्फाबेटिक लिखी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त होता है? अल्फाबेटिक्स लिखे होते हैं जूतों के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बड़े बड़े ये पैना फ्लैक्स बनाए जाते हैं जिसमें गुंबद की तस्वीर होती है और इसमें हरूफ मिटते भी नहीं है, ये तस्वीर वगैरह हरूफ भी, तो इसको ठंडा करने का तरीका क्या होता है? अच्छा ठीक है, और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आका करीम अलैहि सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब पैगामात के जरिए भी सवाल आया था जो मैं इंट्रो में शामिल नहीं कर सका, कि मुकद्दस औराक जिस तरह पिछले दिनों
एक इशू बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका वावेला हुआ था कि समंदर किनारे मुकद्दस औराक की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी। अच्छा वो मतलब साहिल पर हैं, खुश्की पर पड़ी हुई हैं। मुफ्ती साहब, वो जो बोरे भरे हुए हैं मुकद्दस औराक के मसाजिद के, उसके ठंडा करने का तरीका, जैसे बहन ने भी पूछ लिया और ये प्रॉपर एक सवाल भी मैं शामिल करना चाहता था जिसमें मुकद्दस कलिमात हैं। असल मसला ये है कि ठंडा पानी में डाल के किया जा सकता है, भारी भरकम पत्थर उसमें अगर डाल दिया जाए तो वो तेह में उतर जाते हैं, ठीक है, और फिर सीधी सी बात है जब तेह में उतर के उभरेंगे ना अगर किसी वक्त भी तो वो मिट चुके होते हैं, नक्कूश तकरीबन मिट चुके होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमारी जो लापरवाहियाँ हैं जी अमल में, जिम्मेदारियों में, वर्किंग के अंदर जो हम कोताहियाँ करते हैं, बाज जगह वो कोताही जो है वो उसका नुकसान मल्टीपल हो जाता है, दुनियावी नुकसान से बढ़ते बढ़ते उखरवी और ईमानी नुकसान तक पहुंच जाता है। किसी काम को अगर कोई शख्स जो है वो डिले करता है कि ये सामान इधर रखना है और नहीं रखा, ये गलती है। लेकिन अगर मुकद्दस औराक को अगर किसी की जिम्मेदारी थी और उसको वहाँ तक ले जाना था, कश्ती में डाल के, जहाज़ में डाल कर और पहुँचाना था, उसमें डिले किया, वो पड़े पड़े बजाय इसके कि उसको ठंडा किया जाता, वो वहीं पर बिखर जाते हैं। तो ये कोताही जो है वो एक बहुत ज़्यादा, मतलब आप उस शख्स से पूछेंगे जिसकी ये ड्यूटी थी तो वो ये समझता है कि मैंने अपनी ड्यूटी में सिर्फ एक दिन की जो है वो कमी की है, ठीक है। इसमें जो एक इतना बड़ा फैक्टर शामिल हो रहा है मजहबी, उस ड्यूटी में कमी की वजह से इतने सारे कुरानी अल्फाज मुकद्दस औराक की बेहुर्मत। बिल्कुल सब कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर भी है और ब्रेक भी लेना है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मैं गाजीपुर से बात कर रही हूँ जी। सवाल पूछिए। आपका प्रोग्राम, हाँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी। ये कह, मैं मिलाद पे जाती हूँ ना जी, तो काफी औरतें कहते हैं जो कुरान पाक का खत्म पढ़ते हैं, औरतें घर में आके कुरान खानी होती है, ठीक है, ठीक है, तो फिर वो ना सजदे नहीं देते उस वक्त, सजदे हाँ सजदा, ठीक है, फिर तो फिर ये है, मैं मिलाद भी पढ़ती हूँ और ज्यादा मेरे पास तालीम नहीं है, मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ देखती हूँ टीवी में वही ध्यान करती हूँ। अच्छा, वो गुनाह तो नहीं होगा? अच्छा चलें ठीक है, इसको ठीक है, मुफ्त साहब से इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जो कुछ भी टीवी पे सुनती हैं, पढ़ती हैं, देखती हैं, वही बयान करती हैं मिलाद में, तो क्या मुझ पर गुनाह तो नहीं होगा? एक ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम, तफ़ीमुल मसाइल टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं आप एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब शरीयत मुतहरा की शफाफ रोशनी में आपके सवालात और ज़हनी ख़लिशों का इंशाल्लाह जवाब फराहम कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन आपका खैर मकदम है, प्रोग्राम तफ़ीमुल मसाइल में टेलीफोन कॉल के जरिए बराह रास्त इस नशरियात का आप हिस्सा बन सकते हैं। बतौर तालिब इल्म, बहैसियत तालिब इल्म, आप एक सवाल अपना शामिल कर सकते हैं, और सवालात भी हों अगर टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी, इससे हट करो तो भी मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब इसके जवाब फराम करेंगे। मुफ्ती साहब, क़िबला विजिटिंग कार्ड की आपने बात की थी ना, मेरे जहन में एक बात आई, सवाल में करते हुए कॉलर ले लेता हूँ फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वेडिंग कार्ड्स भी छपते हैं मुफ्ती साहब, पुरानी आयात भी लिखी होती हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कॉमन है, इनफैक्ट हाजा मिन फजली रब्बी और अल्लाह के फजल से आज मेरे आज बेटे, हाँ इस तरह ये भी लिखा होता है और एक आयत कुरानी भी मौजूद होती है, कॉमन पैटर्न है हमारे यहाँ। अच्छा, वेडिंग कार्ड्स भी सड़क किनारे, फुटपाथों पर, गली कूचों में, ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं, हालांकि उसमें पैसा भी खर्च होता है खासा, सब कुछ है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल कर लूँ, इसका जवाब फिर दरकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल क्या आपका? जी सवाल ये है कि हम गाड़ी लेते हैं किस्तों पर, ठीक है, और हमारी इंस्टॉलमेंट जो है पहले साल ज्यादा होती है, दूसरे साल कम हो जाती, तीसरे साल कम और कम हो जाती है, ठीक है जी, तो पूछना ये था कि क्या इसमें सूद शामिल तो नहीं होता? ठीक है, सूद की शरह में तो नहीं आता? ठीक है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे जी। मुफ्ती साहब, वेडिंग कार्ड्स, सलमान ये बिल्कुल वैसे ही मामला है। देखें ये तो एक अच्छी बात थी कि आपने जो है वो किसी काम में अल्लाह ताला का नाम, एक दुआ, एक बरकत हासिल की, बिस्मिल्लाह लिख के कार्ड को छपवाया, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो तहरीरें जो सहाबा कराम या नबी करीम अलैहिस्सलाम जो खतूत लिखते थे, फिर उन खतूत को बाकायदा उनकी हिफाजत की जाती थी, उन तहरीरों की हिफाजत की जाती थी, को फेंका नहीं जाता था, मिसयूज़। बिल्कुल सही। तो अब जिसको इस तरह के कोई भी कागज़ या इस तरह की कोई दावतनामा, इनविटेशन कार्ड या इनविटेशन लेटर मिलता है,
उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको जो है वो पढ़ के फेंके नहीं, उसको बाकायदा महफूज करे। सही, जिसको दावत दी जा रही है वो उस कार्ड की हिफाजत करेगा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, यू कार्ड दिया हुआ है, यू मीन टू से कि घर में एक ऐसा बास्केट होना चाहिए, घर के अंदर भी जी, कि जिसमें जहाँ देखा कोई मुकद्दस लफ्ज लिखा हुआ है, विजिटिंग पे, वेडिंग पे, इनविटेशन पे, उठाकर उसको वो ऊंचाई पर हो या जाओ। हम जानबूझ के अवॉइड करते हैं, देखें कि शादी कार्ड फेंक दो, जी, पढ़ लिया, जी, काम खत्म हो गया, इसको साइड पे करो। क्यों साइड पे करो? क्या उसपे अल्लाह का नाम नहीं पढ़ा लिखा हुआ? क्या उसमें मुकद्दस कलिमात नहीं है मौजूद? वो सब गुनाह के जुमरे में आता है। देखिए, हम अपने सामान को तिजारती अगर पुराना हो जाए, काबिल इस्तेमाल ना रहे, तो बेशक हम इसको जो है वो ऐसी मार्केट में जाके बेचेंगे जहाँ मुफ्त के भाव बिक जाए, लेकिन बेच के उससे जो कुछ हासिल होगा वो करेंगे, जाया नहीं करते, जाया नहीं करते अम्वाल को, अम्वाल को। लेकिन इस तरीके से हम मुकद्दस औरात और अल्लाह ताला के कलमात को जाया कर देते हैं कि इसकी ज़रूरत ख़त्म हो या फेंक दो। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि इसमें सवाब मिलना है, माल नहीं मिलना। जहाँ माल मिलना होता है वहाँ कचरा भी संभाल के रखा जाता है। ब्रॉड कॉल्स है, कुछ मैं शामिल कर लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद लतीफ़ कादरी, आज़ाद कश्मीर, अब्बासपुर से। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है कि मुकद्दस औराक को पानी में भी बहाया जा सकता है? हाँ, ठीक है ठीक है, उसको अभी शामिल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। आप कौन, कहाँ से बात करिए? मैं सैयदा सीमा फातिमा बोल रही हूँ शिकागो से। जब मेरी कॉल शुरू हो तो बता दीजिएगा। जी, आपकी आपकी कॉल स्टार्ट है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है भाई कि हमें जो ये कार्ड मिलते हैं, इन पे कुरानी आयात होती है, बिस्मिल्ला शरीफ होती है, तो क्या हम इसे रिसाइकिल कर सकते हैं? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमें शिकागो से ज्वाइन किया। दुनिया में आप कहीं भी हैं, अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और शरीयत की रोशनी में आप चाहते हैं कि उसका जवाब आपको दे दिया जाए, तो राइट नाउ हम लाइव ट्रांसमिशन के जरिए आपको जवाब दे रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर लें। जी मुफ्ती साहब, बहन ने जो सवाल किया था, चूंकि आपके सवाल से रिलेटेड है तो इसको इसमें शामिल करता हूं। बिल्कुल रिसाइकिल किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। यानी उसको संभाल के रखना या उसको पानी में बहा देना, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ये था कि उसको रीयूज़ किया जाए, उसको दोबारा से रिमूव करके। जबरदस्त, मतलब आप चीज़ों को ज़ाया क्यों करें? और आपको पता होगा कि आजकल के दौर में दिखावे का एक मामला ऐसा है, कीमती तरीन कार्ड छपवाए जाते हैं, कीमती तरीन, यही एग्जैक्टली, देखें पैसा लगता और उसको यूं ज़ाया कर दिया जाता है। बिल्कुल सही, यूं ज़ाया कर दिया जाता है, सही, कि वो बाद में किसी काम के वैसे भी नहीं होते। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बहन ने जिक्र किया, अगर ऐसा पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो फिर लाजमी इसको किया जाए। बिल्कुल, एक दो कॉलर हैं शामिल करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी जी, आपका सवाल क्या है? बात से गौरा मिशीर, आपका सवाल क्या है? कज़ा नमाज जो है वो कितने साल शुरू करनी चाहिए? कज़ा नमाज कितने साल से शुरू करनी चाहिए? नहीं नहीं, कितने, वो एक आदमी, वो उसकी उम्र ज्यादा है ना, तो वो अपनी पिछली कितनी उम्र से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा ठीक है। जी मुफ्ती साहब, तो एक तो ये, दूसरा मैं उस हवाले से जो वेडिंग कार्ड के हवाले से आपने ज़िक्र किया कि मैंने असल बात बता दी कि लिखने का मकसद जो है वो तो बरकत हासिल करना होता है, और तहरीर के और किसी दावतनामे और इनविटेशन और कोई भी कोई पैगामात, मैसेजेस, कोई हम लेटर लिखते हैं उसमें अल्लाह का नाम लिखना ये सुन्नत भी है, अफजल भी है, बरकत का बाइस भी है। लेकिन फ़ी ज़माना लोग हिफाजत नहीं करते हैं, जो ज़िम्मेदारी है, इस गैर ज़िम्मेदारी को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इतनी दिखावे के मामला से भी इज्तनाब करें, ठीक है, अव्वलन। और अगर ज़रूरतन कुछ लिखना है, कुछ इनविटेशन देना भी है, तो देखें बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ ली, बिस्मिल्लाह जो है वो उस काम से पहले, उस मामले से पहले पढ़ ली, अपने अमल से पहले पढ़ ली। इन चीज़ों को लोगों की गैर ज़िम्मेदारी को देखने के बाइस थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि ना लिखें हम, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इसका बेहतर हल वही था कि लोग असल ज़िम्मेदार हैं, किसी ने ये सोच के कि सुन्नत है मैं तो लिखूँगा, मतलब एक अच्छा काम है, तो ज़िम्मेदारी उसी की है, जिसको दावत दी जा रही है वो उसको संभालेगा, बिल्कुल जिसको सही। वो कार्ड दिया, जाहिर जिसके पास ये कार्ड जा रहा है वो उसकी ओनर इक्विटी है ना सर, मकसदियत तो उसको देना था। एक कॉलर है, शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स जो अपने जमीन जायदाद का मालिक है और उसके बच्चे बहुत छोटे नाबालिग है, ठीक है, और उनको इतनी समझ बूझ नहीं है, तो अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाए या किसी वजह से बीमारी की वजह से वो अपने सब मामलात ना संभाल सके, तो क्या उसके पीछे कौन उसका वारिस होगा? फिर वो उन मामलात को कौन देखेगा जबकि बीवी उसको इतना ना समझती हो जमीनी मामलात को, विरासत के मामलात को, तो फिर उनके जवान होने तक उन मामलात को कौन देखेगा? और दूसरा सवाल है जी, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल में जाकर रहे, फिर माँ बाप इस बात से गमजदा हो, तो क्या उस शख्स पर गुनाह वाजिब होगा? उसका क्या होगा मामला के शौहर की बात कर रही है ना आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब ये दो सवाल पूछे कि छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, और बाप का इंतकाल हो जाता है, औरत को यानी बच्चों की माँ को समझ बूझ नहीं है ज़मीनी मामलात की, तो उन ज़मीनी मामलात के बच्चों के जवान होने तक किस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनकी देखभाल करता है? दूसरा, अगर शौहर जाके ससुराल में रहे और उसके माँ बाप नाराज़ होते हैं उस बात से, क्या फ़र्क पड़ता है? जी मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आइएगा। जवाबात की तरफ जो है वो यहीं से आगाज़ करते हैं जो अभी आपने दो सवाल जिक्र किए हैं। ठीक है, पहली सूरत में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए, सही, और शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो जमीन जायदाद कारोबार और जो कुछ भी तरका है उसको वो संभाल सके। उसका तरीका ये होता है कि टोटल मालिकाना हुकूक जिस वारिस के पास है, जाहिर सी बात है बच्चों और माँ के पास है, सही, बाकी ज़ुविल फ़ुरूज़ जो वालदेन या दीगर जो थे उनको उनका हिस्सा मिल चुका, ठीक है, अब जो हिस्सा जायदाद वालदेन और बच्चे के पास आया, सही, वो मालिक हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जिसको अपने लिए बाएतमाद समझते हों, चाहें तो वो, अगर किसी के ऊपर एतमाद नहीं है तो कोई लॉयर हायर करके, ठीक है, बाकायदा उसकी निगरानी में विल वगैरह बनवा के, किसी के से एफिडेविट बना के, एग्रीमेंट करके तिजारत में लगा दिए जाएं, उसकी हिफाजत और तहवील में दे दिए जाएं, जिसको माहाना वजीफा भी दिया जा सकता वकील है, वकील को, ठीक है। तो चूंकि उसके पास जो है वो वाइफ के पास या माँ के पास, आप कह लो बच्चों की वालदा और मरहूम की वाइफ, उनके पास जो है वो तरका हासिल होने के बाद, विरसा हासिल होने के बाद मालकाना हुकूक हासिल थे, सही, तो अगर रिश्तेदारों में से कोई जिम्मेदार और बाकायदा जो है वो काबिल एतमाद है तो उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाए, ठीक है, और रिश्तेदारों में भी आगे बढ़ के ऐसे मामलात में नेक नियती के साथ तावुन करना चाहिए, ठीक, अपने आप को पेश करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बच्चों की, भाई के बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उनके अखलाक औसाफ तरबियत मामलात सब चीज़ों पे नजर रखनी चाहिए, ठीक है, और हमारे यहाँ पे ऐसा होता भी है, लेकिन बिलफर्ज कोई मजबूरी, कोई वजह हो, कोई नामुमकिन हो, तो फिर वो अपनी मर्जी से किसी को, ठीक है। मुसब एक कॉलर को शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद ब्रेक लेना नाजरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरे दो तीन सवाल हैं सर। पूछिए। एक तो सवाल ये है कि गैर मुस्लिम की कोई दावत हो तो वो कबूल करनी चाहिए, ठीक है, और हमारा कोई खत्म हो या कोई मतलब अपना न्याज नजरों न्याज हो तो ये भी गैर मुस्लिम को हम दे सकते हैं? नहीं। तीसरा सवाल मेरा ये है सर के नमाज में कितनी दफा जो है ना बिस्मिल्लाह किस जगह पे जरूरी होती है? अगर मतलब सूरत पहले बिस्मिल्लाह होती है, अगर हम कुरान पाक का कोई हिस्सा पढ़े तो उसमें भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, ये ठीक है? ओके, अच्छा चले, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। एक ब्रेक है नाज़रीन इकराम, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेगमेंट होगा। आप हमें कहीं भी हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीफोन कॉल के जरिए, लाइव ट्रांसमिशन के जरिए आपके सवालात के जवाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब दे रहे हैं। मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तफहीमुल मसाइल में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हाजिर खिदमत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुफ्ती साहब से आज जो है वो काफ़ी इब्तदा में डिस्कस हुई है मुकद्दस कलिमात को लेकर, भी आपके बहुत सारे सवालात भी जमा हो गए, इंशाल्लाह उनके जवाबात भी मुफ्ती साहब देंगे। एक कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाली सलाम सुनन दे, किसी तबीयत खैरियत? जी मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सवाल है आपका? सलमान भाई पहले तो ये प्रोग्राम जो आपने रखा बहुत बेहतरीन, मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहूंगा। जी कि जब मीडिया के अंदर आप देखते होंगे जंग अखबार दूसरे अखबारों में ऊपर लिखा होता है तफसील कुरान हुज़ूर सल्लम की हदीस, और फिर वो अखबार फेंके रहे होते हैं उठा के। अच्छा ठीक है, जगह जगह उसकी बेहरमती हो रही होती है। फिर उसके अलावा आप ये देखिए, हम गाड़ियों के ऊपर
अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, फिर उसी को वाश कर रहे होते हैं, वही हमारे पाँव में आ रहा होता है। और लोग इतनी अब कम अकली हो गई है कि अब दीवारों पे देखे जब कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ खुलफाए राशिदीन के नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, अल्लाह के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, बताए क्या करें, अब समझ में नहीं आता, दिल खून के आंसू रो रहा होता है कि हमारी अकल को क्या हो गया और हम कैसे मुसलमान है कि ये बुजुर्गान दीन और ये इतनी अजीम हस्तियाँ जो हम बगैर वजू नाम ही ले सकते हैं और इसी नाम पे नाम लिख रहे हैं। सही कह रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही एक चीज है, एक मोटिवेशन है जो मुफ्ती साहब इन दो एपिसोड्स में जो बेदार करना चाहते हैं और जो मकसद लेकर बैठे हैं इस टॉपिक को, यही एक शऊर है जो लोगों में बेदार हो जाए। कॉलर और है, उन्हें शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आप? ये मेरा सवाल ये है, मगरब के नमाज की ये दो नफल होते हैं ना, जी जी, नफल पढ़ने जरूरी है या छोड़ दें तो मुश्किल नहीं? मगरब के दो नफल, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कुछ लोग छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब क़िबला क्या फरमाइएगा? देखें, ये जिस दर्द का इजहार कर रहे थे ना, वाकई असल दर्द यही है। आप यही दर्द लेके बैठे हैं, मुझे पता है। लाइसेंस दे दिया है, आप अपने शौक पूरे करने के लिए जिस हस्ती का नाम जहाँ पे भी लिख के ऐसे उड़ाते रहो, लुटाते रहो, फेंकते रहो। सही बात, आपको किसने लाइसेंस दे दिया है पब्लिसिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए? अभी देखें, मेरे पास पहला सवाल जो है ना वो भी कितना अहम है। जूतों के ऊपर लिखा हुआ होता है नाम, बिल्कुल, मतलब जूता बेचने वाला अपना नाम नहीं लिखेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तो वो चाहे जूता है लेकिन उस पर वो नाम लिखेगा। देखिए, हालांकि लोगो लगाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक, जिससे जो मतलब एक कंपनी है उसका उसकी तरफ एक इशारा हो जाएगा, लेकिन वो बाकायदा नाम लिखते हैं, लोटों पर नाम लिखा होता है, गटर के ढक्कनों पर नाम लिखा होता है। बिल्कुल, नाम मतलब उनको इतना अहम होता है कि वो प्रोडक्ट नहीं देख रहे तो मर जाएंगे। सही बात, वो जिंदा रहे लेकिन मुकद्दस नाम की बेहुरमती होती रहे, उनको किसने लाइसेंस दिया है? हाँ, आप सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, फ्लश टॉयलेट के अंदर सैनिटरी जो है ना उसके अंदर तक नाम लिखा होता। सही बात, तो लोगो लगा दें, कोई ऐसा सिंबल हो जिससे कंपनी की तरफ जो है वो इशारा हो जाए, वो भी काफी है ना। सही, बिल्कुल, अगर जरूरी है तो वो किफायत कर जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर दिल में ईमान हो तो अंदाजा हो कि रिस्क उसकी तरफ से मिलता है और उसकी रिस्पेक्ट से और उसके मुकद्दस चीज़ों के एहतराम से मिलता है। एक हमारा अपना मार्केटिंग का और अपना निज़ाम है दुनिया का, तिजारत का, और असल जिसके हाथ में है वो कुछ और है। उसको इग्नोर ना किया जाए, मतलब इतने हम मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, इतने खुदगर्ज और इतने मादियत ज़दा ना हो जाएं, उसकी यलगार में इतने मगलूब ना हो जाएं मादियत की और तिजारत की और दौलत की हवस में कि कुछ भी कर लें, कुछ भी। सही, तो किसी चीज़ का एहतराम भी होता है, बिल्कुल सही, लिहाज भी होता है। सही, मतलब अजानें होती हैं तिजारत रुक जाती थी। सही, इमाम गजाली कहते हैं लोहार जब हथौड़ा उठाता था और अल्लाहु अकबर होता था तो वो ज़र्ब के लिए वापस नहीं लाता था कि मेरे रब ने बुलाया है, उठाने में मेहनत होती है वापस लाने में नहीं होती। लेकिन वो उसको खिलाफ अदब समझता है, अल्लाहु अकबर, खिलाफ अदब समझता है, बड़ी बात, और वो पहले अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है। तो आज हमारी बेहिसी का आलम यह है, मतलब अजानों का एहतराम नहीं, मुकद्दस कलिमात का एहतराम नहीं, मुकद्दस नाम का एहतराम नहीं है। किसी का नाम हमने खालिक रखा है, अच्छी बात है, लेकिन खालिक नाम नहीं होता, अब्दुल खालिक होता है। अब्दुल खालिक, खालिक नाम ही नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल, रहमान नाम नहीं रख सकते हैं, लाजिम है कि अब्दुल रहमान कहा जाए। अच्छा, एक तो उसको रहमान कहेंगे, फिर दोस्तों में गालियाँ दी जाती हैं तो उस नाम पर गाली दी जा रही है, बतलाइए, लफ्ज़ रहमान के नाम से गाली दी, नाम खालिक के नाम से गाली दी, तो कोई एहतराम नहीं है कि आप इस नाम का भी कोई एहतराम नहीं करते हो? मतलब कोई तकद्दुस होना चाहिए। सही, बिल्कुल, आप उस शख्स के ऊपर गुस्सा हो उसका नाम, एक तो वैसे ही गाली देना मना होता है, और कम से कम उस नाम से तो डरो जिससे दिल हिल जाते हैं लोगों के, उस नाम से भी नहीं डरते। खैर, ये हमसे सवाल पूछा था बहन ने, तो उसके हवाले से मैंने जिक्र कर दिया जूते वगैरह पे। इसी तरह हमसे एक सवाल ये पूछा कि कुरान पाक की तिलावत या ख़त्म वगैरह होता है तो सजदा लोग उस वक्त नहीं करते हैं, बाद में करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना? उस वक्त कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बाद में किया तो भी जायज़ है, इसमें कोई कज़ा का कोई तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल, बहन ने पूछा टीवी पर हम जो कुछ सुनते हैं उसको आगे बयान कर देते हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं होता? देखिए, नसीहत के लिए तो कोई चीज़ बयान करने में हर्ज नहीं होता, अच्छी बात, नसीहत करना सदका है, ठीक है, लेकिन अगर फतवे आप उलमा से सुनते हैं, मसले आप सुनते हैं,
और आगे खुद उसको सुन के फतवा देते हैं तो ये जायज़ नहीं है। सही, नसीहत की बातें भी आप बेहतर ये हो कि किसी आलिम को आप फ़ोन पे ही सही सुना दें कि मैं ये बात सुनी थी, क्या मैं ये आगे किसी को बता दूं। तो मतलब एक चीज़ दीन की चीज़ है ना, आप सीख कर सिखाएं तो अच्छा होगा, सही अथेंटिक होगा और बहुत कॉन्फिडेंस से आप उस चीज़ों की स्पीचिंग कर सकेंगी। सही, लेकिन बग़ैर सीखे अगर आपने किया तो देखें अखलाकी तौर पे हिदायत देना नसीहत देना तो अच्छी बात होती है, फतवे ना दें। बिल्कुल, ये सवाल हमसे पूछा पानी में बहाया जा सकता है, तो बिल्कुल पानी में मुकद्दस औराक को बहाया जा सकता है। फुकहाए इकराम ने ज़मीन में दफन करने का भी जिक्र किया है और जलाने का भी जिक्र किया है, मगर फ़ी ज़माना जलाना जो है हमारे उर्फ में बेहुरमती पर मामूल होता है, ठीक है, इसलिए हम ये अमल नहीं करते हैं। सही, लेकिन पानी में बहाना, पानी में किनारे पे ना फेंकें, ज़रा दूर जाके ना, सही, पत्थर डाल के फिर आप उतारें ताकि अंदर तह तक, आपने फरमाया, ठीक है मुसब जी। सवाल ये पूछा कज़ा नमाज़ें हमें कितनी पढ़नी चाहिए, एक शख्स बूढ़ा हो चुका है। देखें चाहे बूढ़ा हो बीमार हो, जितनी नमाज़ें आप पर फ़र्ज़ हुई थी ना वो कर्ज़ हैं। सही, अगर नहीं पढ़ी तो अदा करना है, कर्ज़ हैं, बिल्कुल सही, जितनी नमाज़ें भी फ़र्ज़ हुई थी, इसीलिए तो नसीहत करते हैं, कहते हैं कि अभी पढ़ो नमाज, कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, जबरदस्त नमाज जितनी भी आपकी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, तो बालिग होने के बाद रोजाना 5 नमाजें फर्ज थी, नहीं पढ़ी तो कर्ज है, कज़ा करनी है, बिल्कुल सही। अब आप जितनी कर सकते हैं एक दिन में, एक दिन की कर सकते हैं, एक दिन में दो दिन की कर सकते हैं, अगर माजूर हैं ज़यीफ़ हैं तो वो इशारों से और बैठ कर भी कज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अपनी हैसियत और अपनी सहूलत के मुताबिक जल्द अज जल्द जितनी नमाजें भी उनके ऊपर बालिग होने से उस वक्त तक के जब तक उन्होंने बाकायदा नमाज शुरू नहीं की थी उस पीरियड को काउंट करें कितने साल बनते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अब तेरा कर्ज़ उतार दूँ, और फिर कोशिश में लग जाएँ। उम्मीद है अल्लाह ताला या तो पूरी करवा देगा या आपकी इस कोशिश को देख के माफ़ फरमा देगा, क्योंकि ये हुकूक अल्लाह में है, अल्लाह। लेकिन आप कोई ऐसा वजीफा मांग लो कि कोई, कोई ऐसी इजाज़त मांग लो कि कोई पीर आपके सर पे हाथ रख के बोले जा तुझे माफ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन जी। अच्छा एक सवाल ये पूछा, माँ बाप को छोड़ के शोहर की तरफ चली जाना, उनकी तरफ रगबत करना, उनकी ज़्यादा फरमा बरदारी करना या माँ बाप से ला ताल्लुकी इख्तियार करना। देखें बिला वजह तो माँ बाप से कता ताल्लुकी तो करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़ाहिर है। हाँ ये ज़रूर है कि शादी के बाद जो है वो ज़्यादा हक शोहर का होता है, माँ बाप से ज़्यादा, ज़्यादा की बात हो रही है, मगर ऐसा नहीं है माँ बाप का कोई हक ही नहीं है, उनके हकूक अपनी जगह हैं, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, उनसे ताल्लुक़ अपनी जगह है, उनसे मोहब्बत अपनी जगह है, उनकी खिदमत अपनी जगह है। शोहर का हक ज़्यादा होता है, शोहर की फरमाबरदारी ज़्यादा होती है, वो भी शोहर अगर दुरुस्त हो और वालदेन गलत हो तो फिर तो लाजमी बात है कि वो अपने घर को देखेगी। सही, बाज़ औक़ात वालदेन बेजा ज़िद्दे फरमाइशें और मतलब सिखाते हैं बेटियों को ये कर इस तरह कर ये मत कर इतना मत कर वगैरह वगैरह, घर ख़राब होते हैं, तो हमें ऐसी सोच देनी नहीं चाहिए। जोड़ और मिलाप और मोहब्बत वाली बात करनी चाहिए कि जिससे घर बसे जिससे मोहब्बतें पैदा हो, वो नसीहतें करनी चाहिए, ठीक है। दिल बड़ा करना चाहिए तभी जाके जो है वो खुशियाँ और रिश्तों में जो है वो बरकतें पैदा होंगी। इसके बाद एक सवाल हमसे मोटरसाइकिल का था, एक गाड़ी का था, किस्तों के हवाले से। सही, सही। उन्होंने कहा कि फिर आगे चल के गाड़ियों की किस्तें कम हो जाती हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि 40,000 की 50,000 में भेज दी। देखें किस्तें कम ज़्यादा, फर्स्ट ईयर में आपसे 20,000 लेते हैं, सेकंड ईयर में 19 या 18,000 कर देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी डील पर डिपेंड करता है कि डील कहाँ क्या, डील क्या हुई थी। सही। क्या आया आपने जो जितने की गाड़ी खरीदी है उस मुद्दत में आप पैसे ना दे सके तो उस कीमत में उस रकम में इजाफा होगा या नहीं। सही। अगर इजाफा होगा तो वो सूद है और नहीं होगा तो, और अगर इजाफा नहीं होगा, उन्होंने 10-20,000 महंगी बेची, उन्होंने किस्तें बना दी, इंस्टॉलमेंट बना दी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है मुफ्ती। बहुत आसान वे में मैंने जिक्र कर दिया है। सही। अगर टाइम हो तो 3 अहम सवाल थे जी मुफ्ती साहब, ये
विद इन वन मिनट, फोर्टी सेकेंड्स ये नमाज में कितनी बार बिस्मिल्लाह, तो नमाज में किरात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, किरात से पहले, किरात से पहले, हाँ, सूरह फातिहा और किसी सूरत की इब्तदा करने से पहले। इसी तरह जो है वो नजर व न्याज में हमें बुलाना किसी गैर मुस्लिम को और हमें उसकी दावत पे जाना, ये सलमान अगर इजाजत दो तो नेक्स्ट वीक हम इस पे पूरा प्रोग्राम, ठीक है, पूरा कंप्लीट। ये बड़ा समझने वाला टॉपिक है, कुछ चीजें इजाजत होती हैं और कुछ चीजें ममानियत होती हैं, ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, ठीक है। हम बगैर समझे फतवे लगाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, बिला वजह के एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात बिगाड़ देते हैं। तो हमें इस्लाम को भी जिंदा रखना है, उसकी इज्जत और हुर्मत को भी कायम रखना है कि कोई इस्लाम के बारे में हर्फ ना उठाए, ठीक है, और आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात को भी अच्छा उसने माशरत से कायम रखना है। तफसीलन में अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, सब नेक्स्ट एपिसोड में इसी टॉपिक से आगाज करेंगे। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, मुकद्दस औराक हो या मुकद्दस कलिमात हो, आदाब बजा लाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम होता है, कुरानी आयात होती हैं, इनका अदब हम पे लाजिम व मलजूम है। मुफ्ती साहब इसी जज्बे और इसी दर्द को लेके पिछले प्रोग्राम में भी हाजिर थे, और एक कॉलर जाहिर है उम्मत मुस्लिमा इसका दर्द रखती है, लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अदब की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में शऊर अता फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड में तफहीमुल मसाइल में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मुफ्ती मोहम्मद आमिर को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।